अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम बनाने लगे हैं करेले कीमा। तो उसके लिए हमने लिए हैं 1 किलो करेले, जिनको हमने अच्छे तरीके से छील लिया है, और इनके छिलकों को आपने फेंकना नहीं, क्योंकि वो भी करेले कीमा बनते हुए यूज़ होते हैं। करेलों को छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लें, फिर इनको साफ़ पानी से नमक लगा कर अच्छे से धो लें। ज़्यादा पानी नहीं लगाना, क्योंकि ज़्यादा पानी से भी ये ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं। इन्हें नमक लगा के धो लिया है। अब इनको अच्छे से किसी साफ कपड़े में डालकर नचोड़ना है। जितना अच्छा आप नचोड़ेंगे, उतनी इनकी कड़वाहट कम हो जाएगी। अब ये देखें, हम इसे बार बार दाएं और बाएं जानब घुमा घुमा कर इसका पानी निकाल रहे हैं। इसमें से कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है जी। ये पानी निकाला हमने, अब इसको दूसरे रुख पे हम घुमाएंगे, और ये देखें हमारे जो करेले हैं, अब उसमें से पानी निकल गया और वो कितने खिले खिले से बगैर पानी निकलते हैं। अब इनके छिलकों को भी हमने अच्छी तरह कपड़े साफ कपड़े में डालकर और इसी तरह नचोड़ना है। ये देखें कितना ज़्यादा पानी इनमें से निकल रहा है। जितना ज़्यादा पानी निकलेगा, उतनी ही इनकी कड़वाहट कम हो जाएगी। ये देखें जी, बिल्कुल अकेले अकेले और खुरदरे से ये नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनमें से तमाम पानी निचड़ गया है। अब हमने करेले के को फ्राई करना है। 1 कप ऑयल कढ़ाई में डालकर और इनको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। करेले भी फ्राई करने होते हैं और करेले के छिलके भी अच्छे से फ्राई करने होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपके सालन में डलते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया, ये छिलके फ्राई हो रहे हैं। और ये हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। अब हमें इनका मसाला बनाने के लिए प्याज चाहिए 2 अदद, कीमा चाहिए हमें 3 पाव, टमाटर लिए हमने 5 से 6 अदद, हरी मिर्चें लिए हमने 10, जिनको बारीक कट कर लिया, टमाटर को भी कट कर लें। अब हमने हरी मिर्चों के अंदर 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और हमने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया है 1.5 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच ऐड की है, और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है इसके अंदर, और नमक हमने 1 चम्मच ऐड किया है, आप हसबे ज़ायका यूज़ कर सकते हैं, और हमने इसके अंदर 2 चम्मच दही ऐड करना है। अब प्याज को हमने फ्राई करना है, इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, साथ ही हमें टमाटर डाल दिए हैं प्याज के, ताकि ये दोनों आपस में घुल जाएँ जी। ये देखें यार, जैसे हमारी प्याज नरम हुई थी, टमाटर ऐड हो गए थे, अब ये आपस में थोड़ी देर बाद पक के मिक्स हो गए। अब इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे, कीमे को हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। मसालों का इंग्रीडियंट मिक्स किए थे वो ऐड कर दिए, और इनको पकाएंगे हम कीमे में डाल के। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारा कीमा भुन नहीं जाता। अब हमने जो कीमा भुना है, तो इसके अंदर दही ऐड कर दी, मसाला भुनते हुए हमने इसमें दही ऐड कर दी है, और अब इसके और हम थोड़ी देर और पकाएंगे। अच्छे से हमारा कीमा भुन गया है, और अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा कीमा गल जाए। और इसके बाद हमने जो फ्राई किए हुए करेले थे और उनके छिलके थे, उनको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये मिक्स करेंगे आपस में, और मिक्स करने के बाद हम इनको थोड़ी देर और पकाएंगे, और फिर हल्की आंच पर दम पे रख देंगे। ये हमने जो बचा हुआ करेलों का ऑयल था, जिसमें हमने फ्राई किया था, वो भी ऐड कर दिया इसी तरह जी। ये बिल्कुल अब हम इसे दम पे लगा देंगे। ये रेडी है हमारा सालन।
जी, 15 मिनट के दम के बाद हमारा करेले कीमा परफेक्टली रेडी है। इसको रायते के साथ, रोटी के साथ एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।